नमस्कार प्रिय बच्चों, हम हिमालय की बेटियाँ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में भी आ रहा है। क्यों, बिल्कुल सही, बहुत ही रोचक अध्याय है और हमें भूगोल जैसे विषय को हिंदी अर्थात कहीं की साहित्य में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो हमारी समझ जो है वो दो विषयों की जो एक तरह से कहें कि अंतर विषय उपागम के माध्यम से हम अपनी समझ जो कि गोल के प्रति है उसको हम हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए बेटा, अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार पिता हिमालय से जो पुत्री के रूप में नदियां प्रवाहित होती हैं और समुद्र जिसको उन्होंने पति के रूप में माना है वहाँ जा कर के उनका मिलन हो जाता है। हमने देखा कि बहुत सी नदियाँ, विशेष रूप से सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियाँ भी जो है हिमालय से ही इनका उद्गम होता है। और भी जो छोटी 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 नदियाँ हैं जैसे कि रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, ना कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि बहुत सी नदियाँ जो है वो हिमालय से ही निकलती हैं और फिर मैदानों में प्रवाहित होकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो आगे देखिए, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती है। देखिए बेटा, जहाँ हम जो चीज़ प्रतिदिन देखते हैं उसके प्रति हमारा उतना कुतूहल नहीं होता है, लेकिन जब हमें नया नया कुछ देखने को मिलता है तो हमें बड़ा विस्मय होता है। तो लेखक पहाड़ी क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, मैदानी क्षेत्र से रखते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहाड़ी लोगों को भले ही आश्चर्य ना हो कि किस प्रकार से नदियाँ इतनी वेग के साथ हिमालय से निकल करके मैदानों की ओर आती हैं, लेकिन लेखक को बड़ा आश्चर्य है और इस यह आश्चर्य जो है उनके मन में बड़ा कुतूहल भी जगाता है। तो यही कारण है कि उनको आश्चर्य है और इसीलिए वे हिमालय को जो है समुद्र के ससुर के रूप में और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में देखने में उनको जरा भी झिझक नहीं है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब, जैसा आपको पाठ के प्रारंभ में ही बताया, जब हम प्रकृति में मानवीय भावनाओं का दिग्दर्शन करते हैं तो वो एक तरह से प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। और यही चीज़ लेखक स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नया नहीं देखा प्रकृति में मानवीय भावनाओं को। जो बहुत प्राचीन कवि हुए हैं कालिदास, और उन्होंने जब अपना मेघदूत लिखा था तो उन्होंने भी प्रकृति में मानवीय भावनाओं का दिग्दर्शन किया और उसी के आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा भी। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों और मैदानों में जुदा जुदा शक्ल में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, और थोड़ा आगे चलिए इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, थोलिंग की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। देखिए लिखा है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पर्व प्रकृति नटी के चित्रित पट पर,
अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मतलब काका कालिलकर ने देखिए नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता माँ वो होती है जो बच्चे का पालन पोषण करे, और हम सभी जानते हैं नदियों के जल से ही हम खेती बाड़ी और हमारे कल कारखाने, हमारे दैनिक जीवन के उपभोग के लिए जो जल है वो सारा हमें नदियों के पानी से ही मिलता है। और इसी क्रम में लेखक ने उनको माता कहने से पूर्व उनको प्रेयसी के रूप में, बेटी के रूप में और बहन के रूप में भी देखा है। तो यह एक तरह से नागार्जुन जी का नदियों के प्रति श्रद्धा भाव हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।